अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक है सब? हाँ जी, अल्लाह ताला सबको ठीक रखे। स्टूडेंट्स, आज हमने कॉम्प्रीहेंशन अनसोल्ड नंबर 12 करना है। आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और साथ में आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग बताऊंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट इट स्टार्ट। देयर लिव्ड अ मंकी इन अ फॉरेस्ट। एक जंगल में एक मंकी यानी बंदर रहता था। वन डे, एक दिन, ही वॉज गोइंग अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। वो खुराक की तलाश में गया। एज ही वॉज हंग्री, कि वो बहुत भूखा था। एट लास्ट, आखिरकार, ही एंटर्ड, वो दाखिल हुआ द हाउस ऑफ अ फार्मर, एक किसान के घर में। देयर वॉज नोबडी इन द हाउस, घर में कोई भी नहीं था। द मंकी फाउंड अ हार्ड वेसल, बंदर ने एक सख्त बर्तन पाया। विद अ नैरो ओपनिंग, तंग सुराख या मुंह के साथ। ही पुट हिज हैंड इन टू इट, इसने अपना हाथ इसके अंदर डाल दिया। इट हैड ग्रेन्स इन इट, और इसमें दाने थे, अनाज था। ही टुक अ हैंड फुल ऑफ द ग्रेन्स, उसने दानों से हाथ भर लिया। एंड ट्राइड, और कोशिश की, टू पुल हिज हैंड आउट, अपने हाथ को बाहर निकालने की। बट लेकिन, ही कुड नॉट विद हिज क्लोज्ड फीस्ट, वो ऐसा ना कर सका अपनी बंद मुट्ठी के साथ। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, द ओनर ऑफ द हाउस, घर का मालिक, केम अप, आ गया। His dog was also with him, उसका कुत्ता भी उसके साथ था। The dog fell upon the monkey, कुत्ता टूट पड़ा, शिकार बना लिया उसने मंकी को, बंदर को। And tore him to pieces, और उसको टुकड़े टुकड़े कर डाला। Thus the monkey met his fate, इस तरह monkey, बंदर, अपने किस्मत को पहुंच गया या उसको सिला मिल गया। ड्यू टू हिज ग्रीड, अपने लालच का उसको सिला मिल गया। दिस इज़ वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वन पैराग्राफ, और बहुत इजी है। इसमें कोई वोकैबुलरी भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो वर्ड डिफ़िकल्ट हैं आपके लिए न्यू हैं वो मैंने सेपरेट लिखे हुए हैं, और उनका मीनिंग भी आपको मैं बताती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। हाँ जी, ये है कॉम्प्रीहेंशन नंबर 12, अनसोल्ड है। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स करते हैं। फर्स्ट वर्ड है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहते हैं जंगल को। सर्च ऑफ, तलाश में। हंगरी, भूखा। फार्मर, किसान। नोबडी, कोई भी। हार्ड वेसल, सख्त बर्तन, ठीक है, कोई लोहे का बर्तन होगा। नैरो ओपनिंग, तंग मुंह वाला, जिसका मुंह आगे से तंग होता है। अब ये हार्ड वेसल विद अ नैरो ओपनिंग का वर्ड यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि जैसे सुराही होती है, एक वैसा बर्तन था। पुट, डाल दिया। ग्रेन्स, दाने या अनाज। हैंडफुल, मुट्ठी भर ली। देख लें इनके मीनिंग्स, आप कॉम्प्रीहेंशन पैसेज पे लिख लें ताकि जब भी आप पढ़ें आपको डिफ़िकल्टी ना हो। हाँ जी, आगे है पुल हिज हैंड आउट, अपना हाथ बाहर निकालने की। क्लोज फिस्ट, बंद मुट्ठी। फिस्ट कहते हैं मुट्ठी को, क्लोज, बंद। ओनर, मालिक। केम अप, आ गया। फेल अपॉन, ईडियम है, झपट पड़ा, ठीक है, शिकार बना लिया। टोर हिम टू पीसेस, टुकड़े टुकड़े कर डाला। फेट, अंजाम या किस्मत को कहते हैं। ग्रीड, लालच। ये हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज नंबर 12 अनसोल्व था। ये इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, और आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। इनको अच्छा सा याद कीजिएगा, मीनिंग्स आपको आने चाहिए, और इनको कहीं नोट डाउन कर लें। बेटर है कि आप बुक पे इसका स्टिकी नोट्स लगा लें ताकि आपको भूले ना और आपसे ये गुम ना हो। ओके क्लास, आज का लेक्चर कम्प्लीट हुआ। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।